लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। कशरावत तहसील के ग्राम पंचायत दोगावा में अभी नव निर्वाचित सरपंच ने अपना पदभार ग्रहण ही नहीं कर पाया। इसके पहले अपने कारनामों को छुपाने के लिए सचिव योगेश बाम ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा। नवनिर्वाचित सरपंच अपने पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों का लेखा जोखा चाहेंगे। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए आनन फानन में अंजाम देने के लिए लगे हैं। इस कारण नवनिर्वाचित सरपंच ने ग्राम पंचायत दोगावा ग्राम सचिव योगेश बामने ने तथा रोजगार सहायक एवं पूर्व सरपंच की मिलीभगत पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत जो अमृत सरोवर तलाई निर्माण हुआ है वो यहाँ की दोगावा पंचायत पर ना बनाकर लेपा पंचायत में बनवा दिया जाए, जबकि वहाँ पर अमृत सरोवर स्वीकृत कर बना हुआ था और मनरेगा का सारा पैसा निकाल लिया गया, मजदूरों को पैसे का लाभ नहीं दिया गया। इस तलाई निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं सचिव द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता है कि तुम चाहे जो भी कार्यवाही कर दो, मेरा कोई अधिकारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। R9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुला लो शांति से, तो कुछ नहीं, जुर्माना करके छोड़ देंगे और नहीं करोगे तो FIR करवा दो। जी मैडम, जैसी भी ऑपरेटर हो, ट्रैक्टर आप ले लीजिए, तीनों को बुलाना करेंगे, बस थाने तक ले जाओ। सामने बुला ले उनको, ये यहाँ खड़े हैं, वो खड़े दिख रहे हैं, वो एक बकरा, वो आवाज लगाओ, बोलो क्या, उनको फोन लगाओ। तो नहीं तो मैं FIR पे करवाऊंगी, सब कुछ करवा दूंगी। काई को जाएंगे, उसको तो टोचन करके भी लेके जाएंगे। घन के को मारेगा, ये चौहान साहब का घन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, खनिज विभाग द्वारा प्रत्येक दिन अवैध उत्खनन परिवहन पे कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज कसरावत क्षेत्र के पीपल गोन में मुझे अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी कि मुरम का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो मेरे द्वारा खनिज निरीक्षक प्रियंका इजनार को टीम के साथ तैयार किया और उसको मेरे द्वारा वहां पर भेजा गया। खनिज निरीक्षक को रास्ते में मुखबिर के द्वारा लोकेशन न ट्रेस कर ली जाए, इसलिए उसको गाड़ी बदलने के लिए कहा। उसके द्वारा रास्ते में दूसरी गाड़ी चेंज करी और मुखबिर के अनुसार जो शिकायत करता था उसके अनुसार तत्काल अवैध उत्खनन के स्थान पर पहुंचे, जहां पर एक JCB और 3 ट्रैक्टर उत्खनन करते हुए मिले, जिसको प्रियंका जिनार और उसके दल ने तत्काल पकड़ा और उसको जब्त कर लिया। अभी उसको थाने कसरावत में ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ड्राइवर सभी भाग गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरी सभी आम जनता से निवेदन है कि अगर इस प्रकार से जिले में कहीं भी अवैध उत्खनन की अगर कोई शिकायत प्राप्त हो रही तो सटीक जानकारी है तो हमें दें, तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।